चले कि भाई रिजर्व में कितना चलती है भाई। उसका रिजर्व में दिखाता है बट होता हो नहीं है आपके लिए पूरा हूँ। हेलो वेलकम टू माय चैनल एंड आप देख रहे हैं एक्सप्लोसिव। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ आज करोलबाग। क्यों जा रहा हूँ, एक्चुअली मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई, एक तो इसको ठीक कराने और दूसरे छोटे मोटे काम है उनको भी करने जा रहा हूँ। और बाकी यार मेन काम है मेरा हेलमेट लेना। आपको तो पता ही होगा, अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखे तो आपको पता होगा मैं कौन सा हेलमेट यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें विंड नॉइज़ का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैंने हेलमेट लेने जा रहा हूँ। तो चलिए मिलता हूँ आपको सीधे बाइक पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। सो यार आपका स्वागत है यमुना नदी के साथ। ये मैं भी हूँ यमुना के ब्रिज पर। मैप मैंने लगाया हुआ है। तो वैसे कहाँ को जा रहे हैं, रॉन्ग जा रहे हो, लगते ऐसी हुआ है, इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे मेरे को। तो यार बिना ट्रैफिक के कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि प्यार से बस चलते रहो भैया आराम से अपना। मुझे लग रहा है ये उन्होंने कटे सर से, मैंने जानबूझ के नहीं भराया तेल। वैसे मैं रिजर्व में नहीं कर सकता हूँ कभी बाइक को, वो सब इसलिए कि मुझे पता चले कि भाई रिजर्व में कितना चलती है भाई। कल 376 थी और रिजर्व में लगने के बाद अभी 400 चल गई है। अभी शायद 3.8 तो कंपनी क्लेम कर रही है इसका टैंक रिजर्व में, पता चल जाएगा। बात करने के लिए होता है ये। हाँ कैमरा है, कैमरा भी होता है, फोन से होता है। और ये अभी करवा ठीक है, मैंने अपना हेलमेट ले लिया है करोलबाग से, जो मेन चीज थी, क्योंकि यार ये हेलमेट लेना बहुत जरूरी था, तो आज मैं ले लिया आज मैंने। बाकी यार हेलमेट मैं आपको या तो हो सकता है इसी वीडियो में दिखा लूँ, या फिर हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इसी के बना लूँ। और दूसरा काम जो था मेरा, ये आप देख सकते हो ये मोबाइल स्क्रीन ठीक करवा ली है। सो अभी तो रबड़ लगा हुआ है क्योंकि वो ढंग से चिपका नहीं है, तो इसलिए रबड़ लगाया हुआ है। तो रूम पे जाते निकाल दूंगा। और आप देख सकते हो मेरी बाइक का हाल क्या उड़ रहा है। बाकी यार धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है। सो और ये नज़ारे देखो आप, ये देखिए क्या शानदार लग रहा ना, व्यू अच्छा आ रहा, मतलब अच्छा लग रहा, हो सके अच्छा लग रहा होगा वीडियो में। और ये वीडियो देखिए आप, और ये नज़ारे देखो जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, मैं अभी फ्लाई ओवर खड़ा हूँ, तो देखिए आप नीचे कितना अच्छा व्यू लग रहा है। गाड़ियाँ देखो भाई साहब बिल्कुल खाली नहीं होने दे रहे उनको, क्या व्यू लग रहा है यार। उधर आगे मेट्रो, इधर ये मेट्रो जा रही है, देखो आप द्वारका, यानी ये ब्लू लाइन है ये, और ये अपना रूट इधर को अपने को जाना है। मैप मैंने लगाया हुआ है, मैप के थ्रू ही जा रहा हूँ, क्योंकि यार नोएडा नोएडा साइड जाना मेरे को तो। और ये सामने पे शायद अक्षरधाम मंदिर है, पता नहीं यार दिख रहा नहीं दिख रहा कैमरा, क्योंकि यार वो लाइट बहुत, वो क्या कहते हैं, सूरज बहुत चमक रहा है ऊपर से, पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा कैमरे में। सर बताता हूँ यार ये मेरी फर्स्ट बाइक है, और
ये मैंने ले भी उसी पर्पज से है कि मैं लॉन्ग राइड भी कर सकूं, इसी पर्पज से ज़्यादा ली है, क्योंकि मैं वैसे ऑफिस के लिए कम ही यूज कर रहा था अभी, लेकिन अब कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी नॉलेज से जाना पड़ता है, तो यहाँ तो थोड़ा बस का इश्यू है यार, असल बहुत टाइम लेता है। ली उसी पर्पज से गया है मैंने कि लॉन्ग राइड कर सकूँ, और क्रूज करते हुए अपने प्यार से चलो। ये बोटेनिकल गार्डन का बस स्टॉप इधर स्टेशन। ओ भाई, और इधर ही मेट्रो भी है यार, कहीं तो सामने पर, एक मिनट है रोक के। वो जो सामने पर नजर आ रहा होगा आपको, वहां पर आपका मेट्रो स्टॉप। ये देखो आप, ये है भाई साहब, लंबी लंबी बिल्डिंग है, कितने फ्लोर हैं भाई इस पे। ओफ भाई साहब, इतना कौन गिन रहा है यार, इतना गिनते गिनते थक जाऊंगा यार। मुझे शूज भी लेने थे यार, शूज भी फट गए मेरे, वहां तो टाइम मिला नहीं, क्योंकि यार घूमने पे ही टाइम लग गया। और हाँ, एक यार एक सीन हो गया अपने साथ यार आज, मैं बहुत बार क्या होता है कि मैं कभी पेट्रोल जो है मैं टैंकी में से फुल रखता हूँ, मतलब तो मैं रिजर्व पे जाने से पहले, जैसे सुई आप देख सकते हो, सुई जो है ना रेड, ये जो फर्स्ट रेड पे आने को होती है, मैं भरना शुरू कर देता, मतलब फुल कर देता हूँ टैंक को। मेरा प्लान था कि मैं रिजर्व में चेक करूँ यार कितने किलोमीटर चलती है अपनी बाइक, 3 लीटर का टैंक है, 3.8 लीटर इसका रिजर्व में है, तो प्लान था यार आज चेक करूँ, क्योंकि कल मैं जब ऑफिस से घर आ रहा था तो आधे रास्ते में पेट्रोल खत्म हो चुका था, तो रिजर्व में लग चुकी थी 376 किलोमीटर था उस टाइम पर, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कल जाऊँगा कुलबाग तो पता चली जाएगा। मैं ये सोच के गया था 3.8 लीटर जब टैंक की है इस रिजर्व में है तो यार 90-100 किलोमीटर चली जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यही सोच के गया था। कल 5-6 किलोमीटर चल गई थी भाई, सो आज मैं क्रोल भाग गया, और जैसे ही मैंने अपना मोबाइल ठीक कराया उसके बाद मैं हेलमेट लेने के लिए जाया था, तो रेड लाइट पर ही बंद हो गई भाई, और 3-4 सेल्फी लिए, स्टार्ट न हुई, धक्का मार के आगे गया, सो काफ़ी पेट्रोल देखा टैंकी में तो बिल्कुल खाली हो चुका था टैंकी, समझ नहीं आया कि खाली कैसे हो गई, और किलोमीटर देखा तो 412 ही चली थी किलोमीटर, तो 36-37 किलोमीटर कुछ ऐसा हो रहा। मैंने कहा यार ये इतना कम कैसे चल गई, तो तब तो मैंने किसी से पूछा कि भाई यार पेट्रोल पम्प कितना दूर है, तो उसने कहा यार 1.5-2 किलोमीटर होगा, तो फिर उसने मेरे को आइडिया दिया कि आपने चौक खींचो तो चली जाएगी बाइक, तो वहाँ पर फिर स्टार्ट हो गई थी बाइक, चौक खींचा तो स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे ही आगे गए आधे किलोमीटर करीब गए तो रेड लाइट भी फिर बंद हो गई, फिर उसके बाद स्टार्ट नहीं हुई, 4-5 सेल्फी ली, स्टार्ट नहीं हुई, फिर धक्का मार मार के जैसे तैसे भाई ले गया वो धूप में, उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैंने अपना एक्शन कैम बैग में रख दिया था पहले जब मैं मोबाइल ठीक करने के लिए आया था, कि मैंने कहा क्योंकि यार बार बार फिर वो सही नहीं है ना, हेलमेट भी लगा रहता कोई खींचे ना, तो मैं धक्का मार मार के ले गया। सो देखा है जैसे मैंने पेट्रोल भराए, तो पेट्रोल भराए तो पेट्रोल की मेरे पास है तो 9.84 करीब है, 84 लीटर। मैंने कहा इतना कम कैसे आई, तो यार 13 लीटर का टैंक है और इतना ही किलोमीटर केवल, फिर इतना भी फिर समझ नहीं आया क्या होगा। फिर जैसे थे अपने हेलमेट लिए, सारा काम किया, फिर रूम पर आए तो मैंने गूगल सर्च किया, मैंने कहा यार कुछ तो होगा गूगल में मिलेगा मेरे को, क्या चक्कर है, मैं तो सोचता था कहीं किसी ने मेरा पेट्रोल निकाला तो नहीं है, जबकि यार गेट के अंदर बाइक खड़ी रहती तो मतलब ही नहीं बनता कोई निकाले। तो जैसे घर पर आए गूगल किया, गूगल पर मुझे डिटेल मिली नहीं ज़्यादा, तो मैंने जैसे फिर ढूंढा अपने बाइक का मिला नहीं, लेकिन किसी और बाइक का मिला, तो सर मुझे पता चला कि 3.8 लीटर उसका रिजर्व में दिखाता है बट होता नहीं है आपके लिए पूरा, हूँ तो उसमें 3.8 लीटर का है, तो उसमें शायद 1 लीटर 1.5 लीटर आपकी बाइक के हिसाब से आप उतना यूज कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते हो, सो बाकी वैसे ही करोगे जैसे मैंने चौक खींच के, फिर वो चल गई थी, थोड़ा सा चल गई फिर बंद हो गई, तो शायद उस टाइप से कर सकते हैं। बाकी मैं घर पे मैंने अपने पहले मैंने इसमें देखी बुकलेट में, इसमें भी नहीं था, इसमें भी सिंपल से लिखा है इन्होंने, सिंपल से बिल्कुल रिजर्व और आपका टोटल टैंक की कैपेसिटी, गूगल इसकी साइट पर देखे बता दो उस पर सेम लिखा हुआ, अगर इसमें डिटेल रहती तो मैं पहले अलर्ट रहता कि यार अच्छा 1.5 लीटर ही मेरे को मिल रहा या 1 लीटर मेरे को मिल रहा, सो हो सकता यही प्रॉब्लम हो। सो यार 36-37 का एवरेज, 37-38 किलोमीटर कुछ ऐसे ही हो रहा था, 376 और 412 के बीच में, सो मैंने कहा यार ये तो बहुत सारा कम गूगल सर्च किया, फिर ये सारा रिजल्ट निकला, तो भैया अलर्ट रहना आप लोग में, हो सकता हो सके आप लोगों को पता हो, बहुत सारे लोगों को पता हो, तो यार बाकी डिटेल मैं नहीं जानता क्योंकि मेरे को मेरी नई बाइक है और मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ,
मैं गूगल करके ही, क्योंकि मैं बुकलेट को पहले ही पढ़ चुका था, मैं बहुत पहले ही जब मैं अपना रिव्यू भी कर रहा था बाइक का, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं पढ़ के या देख के ही या बहुत सारी चीज़ें सीख के ही बनाता हूँ। बाकी यार एक नई चीज़ का पता चला कि यार ऐसा भी होता है, तो काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से ही कि यार अपनी रिजर्व में केवल 37-38 किलोमीटर ही चलेगी, तो यार कैसे होगा फिर ये, तो फिर इसलिए रिजर्व पर भैया लगने नहीं देना फिर, कि 13 लीटर का टैंक और इतना कम। सो यार ये बात थी, बाकी अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा पता हो, कुछ अगर डिटेल में कुछ पता हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और बाकी यार मैंने हेलमेट ले लिया है, और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं अपने हेलमेट पर ही बनाने वाला हूँ, अपना जो मैंने नया हेलमेट ले लिया है कौन सा लिया है, क्योंकि यार ये ज़रूरी चीज़ थी मेरे को हेलमेट लेना, वो मैंने ले चुका हूँ। बाकी अगली नेक्स्ट वीडियो मेरी हेलमेट पर आएगी, प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपको कुछ टैंक के बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।